हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प एमपी। आज आपको दिखाएंगे ये हुंडा वाटर पंप है, WBK30 मॉडल है, ये GK200 इंजन है। इस मॉडल पर आज इंजन ऑयल चेंज करके दिखाएंगे, कौन सा ग्रेड इंजन ऑयल लगता है, कितना इंजन ऑयल लगता है, इंजन ऑयल का क्या प्राइस होता है और कैसे इंजन ऑयल इस पर डालता है और कितना घंटा का बाद आपको इंजन ऑयल चेंज करना चाहिए और ये इंजन ऑयल कौन सा मॉडल पर लगा सकते हैं, डिटेल्स इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं इंजन ऑयल डाउन करके कैसे डाउन करता है और कौन सा इंजन ऑयल अच्छा रहेगा, वो भी आज का वीडियो में बताएंगे। तो देखिए मेरे पास एक कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल है, इसको चेंज करके दिखाएंगे। तो चलिए आगे बताते हैं डिटेल्स। तो देखिए इस नट को खोल लेना होगा आपको इंजन ऑयल डाउन करने के लिए, मतलब ये नट खोलने से इंजन ऑयल पूरा खाली हो जाएगा। ये जो नट है इसका साइज है 12 mm, आप लोगों को खोल के दिखाएंगे और इधर से इंजन ऑयल डालेंगे। ये है फिलर गेज, फिलर कैप भी कहता है, इधर से इंजन ऑयल डालेंगे आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए हमने एक 12-13 रिंग स्पिनर ले लिया है और बोल्ट का जो साइज है वो 12 mm का साइज है, वो 12 mm का साइज से खोलेगा और बोल्ट खोलेगा बाएं तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज खोलेगा, घोड़ी जिधर चलता है उसका उल्टे तरफ ये बोल्ट खोलेगा। तो ये बोल्ट खोल लेते हैं और नीचे ट्रे देना होगा, ऑयल ट्रे दे देते हैं जहाँ पर ऑयल गिरेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑयल ट्रे दे दिया है, अब इस बोल्ट को खोल लेते हैं। और ये बोल्ट खोलने का टाइम एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस पर एक वाशर रहता है एल्युमिनियम वाशर, वो गिरना नहीं चाहिए, हराना नहीं चाहिए, लगाने का टाइम वाशर रहना चाहिए, नहीं तो बोल्ट के जहाँ लगाएंगे बोल्ट के वहाँ लीक करेगा इंजन ऑयल, धीरे धीरे लीक करेगा, इसीलिए वाशर लगाना चाहिए। और ये वाशर लगाने का टाइम एक टिप्स होता है, दिखा देंगे क्या होता है। तो चलिए इंजन ऑयल धीरे धीरे निकल रहा है, पूरा खाली कर लेंगे। और ये इंजन ऑयल अब पूरा निकलने के लिए थोड़ा इंजन हिला भी सकते हैं और जल्दी भी निकल जाएगा इंजन हिलाने से, वो आप लोगों को दिखा देंगे। और देखिए ये जो इंजन ऑयल है पूरा ख़राब हो गया था, पूरा काला हो गया है और इसमें जो स्लिपिंग का एहसास रहता है वो भी नहीं है इंजन ऑयल पर। और ये इंजन ऑयल आपको कब चेंज करना चाहिए वो भी बता देते हैं। आपका ये इंजन 50 से 60 घंटा चल जाता है उसके बाद आपको चेंज करना चाहिए, 50 से 60 घंटा के बाद इंजन ऑयल चेंज कर देना चाहिए, उसमें इंजन अच्छा रहेगा। तो देखिए ऐसे थोड़ा हिला लेना चाहिए, इंजन ऑयल जल्दी भी निकल जाएगा और जितना खराब हुआ इंजन ऑयल नीचे पड़ा हुआ रहेगा वो भी निकल जाएगा, ऐसे करके थोड़ा हिला लीजिए। और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहते हैं, अगर आपका न्यू इंजन है, मतलब नया खरीदे हैं और इंजन नया कराए हैं, तो आपको पहली बार इंजन ऑयल चेंज करना चाहिए 25 घंटे के बाद, 25 आवर्स के बाद इंजन ऑयल पहले बार चेंज कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको 50 से 60 घंटा इंजन चलने के बाद इंजन ऑयल चेंज करना चाहिए, उसमें इंजन अच्छा रहेगा। आप बताते हैं ये जो ऑयल डेन बोल्ट है इसका जो वाशर है कैसे लगाएंगे। तो देखिए ये जो वाशर लगा हुआ था वैसा ही रहना चाहिए, अगर ये वाशर आप घुमा देते हैं तो इंजन ऑयल लीक करेगा, इसीलिए जैसे लगा हुआ था वैसा ही आपको लगाना होगा, नहीं तो इंजन ऑयल लीक करेगा, यही इसका सिस्टम है। तो चलिए बोल्ट को टाइट कर लिया, अब इंजन ऑयल इधर डालेंगे और ये फिलर गेज है, फिलर गेज खोल लेते हैं और इंजन ऑयल डालते डालते आप लोगों को डिटेल्स बताते हैं इंजन ऑयल के बारे में। तो देखिए इसमें इंजन ऑयल का जो ग्रेड लगता है वो 20W40 इंजन ऑयल लगता है इसका ग्रेड, और इंजन ऑयल इसमें लगता है 700 ml, 700 ml इस पर इंजन ऑयल लगता है। और ये इंजन ऑयल किस किस मॉडल पर लगता है वो भी बता देंगे। तो उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं ये कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल है और ये कैस्ट्रॉल एक्टिव 40 है और इसका ग्रेड है 20W40 और ये सिंथेटिक इंजन ऑयल है और ये इंजन ऑयल अभी तक सबसे अच्छा इंजन ऑयल है। आप कोई भी इंजन ऑयल डाल सकते हैं अच्छा सा कंपनी, और मेरा कहना मानते हैं तो ये कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल आप लोग डाल सकते हैं, कैस्ट्रॉल एक्टिव 40, ये सिंथेटिक इंजन ऑयल है। और ये इंजन ऑयल आपका प्राइस पड़ेगा 340 रुपया, और ये इंजन ऑयल आपको चाहिए तो अमेजोन पर मिल जाएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर अमेजोन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो देखिए ये इंजन ऑयल किस किस मॉडल पर लगता है वो भी बता देते हैं। तो देखिए WBK30 पर लगेगा, जितना GK200 इंजन है सभी पर लगेगा, WPK20 पर लगेगा, WMK
25-20 पर लगेगा, WMK 30-25 पर लगेगा। ये सब वाटर पंप है, और जनरेटर पर भी लगता है WEX 1200 मॉडल पर, WEX 2000 मॉडल पर लगता है, सेम ग्रेड सेम मिलीलीटर लगता है। अब बताते हैं और एक इम्पोर्टेंट चीज़, तो देखिए आपके पास मिलीलीटर मापने का जगह नहीं रहता है तो कैसे चेक करेंगे। तो देखिए ये इंजन ऑयल जो चेंज करने के बाद आप लोगों को इंजन समान जगह पर रखना होगा, उसके बाद मुंह पर आएगा, देखिए ये जो आ रहा है थ्रेड पर, यहीं पर है सोटिक लेवल, ऐसे करके इंजन ऑयल चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर थ्रेड पर आएगा इंजन ऑयल, गिरेगा नहीं, अगर गिरता है तो ज़्यादा हो गया, और इंजन ऑयल नहीं दिखाई दे रहा है तो कम हो गया, थ्रेड पर आना चाहिए। यही होता है सोटिक लेवल सभी मॉडल का, बस इतना तक डाल दीजिए, सोटिक लेवल इसका हो गया है। यही होता है सोटिक प्रोसेस इंजन ऑयल चेंज करने का। तो आज का वीडियो में आप लोगों को दिखाया है इंजन ऑयल कैसे चेंज करेंगे, जितना मॉडल बताया है सभी मॉडल का सेम प्रोसेस है। और हुंडा वाटर पंप का, हुंडा जनरेटर का फुल इंजन करना वीडियो देखना चाहते हैं, ये वीडियो ऐसा बहुत सारा वीडियो है मेरे चैनल पर, जाके देख सकते हैं टेक्निकल हेल्प MK चैनल पर, और ये सारा वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हैं। और इसी तरह नया नया वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करने से होगा क्या, हम जब भी YouTube में वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को मिल जाएगा, और बगल में बेल का आइकन ऑल नोटिफिकेशन करके रखिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दूसरा वीडियो में।